shining in every creature. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. No, he is also one with every other. Sham, sham, sham. आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की ऑनलाइन वीकली मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने जुलाई से फिस्कल मीटिंग भी स्टार्ट कर दी है और हमारी लास्ट वीक यानी 9 तारीख को फिस्कल मीटिंग हुई थी और ये फिस्कल मीटिंग हमारी सेकंड और फोर्थ को जो है बराबर अभी फिस्कल मीटिंग ही होगी और फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ शनिवार को यानी पहले तीसरे और पांचवें शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग होगी जो आज हो रही है जैसे। तो अगली हमारी मीटिंग अब 30 तारीख को होगी और नेक्स्ट 23 को फिर से मीटिंग हमारी फिस्कल होगी। जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं आ सकते हैं वो समय निकाल के जरूर आएं, दे आर वेलकम। आज इस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे बीच बंधु ऋषिकेश शरण जी मौजूद हैं जो कि अपने पसंदीदा टॉपिक यानी बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स, बुद्ध और उनके विचार धम्म पद के बारे में पहले भी कुछ सत्र ले चुके हैं और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम ये बताना चाहेंगे बंधु ऋषिकेश शरण जी ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में MSc की डिग्री प्राप्त की थी और वे 1975 बैच के IRS ऑफिसर हैं तथा 2011 में महानिदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क एवं सेवा कर के पद से सेवामुक्त हुए हैं। तत्पश्चात भारत सरकार ने उन्हें 2012 में अपने विभाग का मुंबई में लोकपाल बनाया था तथा इस पद पर सन 2014 तक रहे। बंधु शरण ने 1970 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की थी और तब से वे सोसाइटी के माध्यम से सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बुद्ध की टीचिंग्स पर सर्वाधिक कार्य किया है व 14 किताबें लिखी। इनकी लेटेस्ट बुक कर्म से पुनर्जन्म है और कई प्रचलित पुस्तकें जैसे लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, धम्म पद गाथा एवं कथा 4 वॉल्यूम में सुंदर सचित्र पुस्तक हिंदी में और इंग्लिश में 3 वॉल्यूम्स में लिखी है। अब मैं बिना अधिक समय गंवाए बंधु शरण जी से आग्रह करूंगा कि वे धर्म पद के विषय में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। बंधु शरण जी धन्यवाद। ब्रदर माथुर जी, मैं शंकर लॉज का और विशेषकर ब्रदर राजीव माथुर जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया आपके साथ कुछ शब्द शेयर करने का। वस्तुतः बुद्ध की शिक्षा धम्मपद का इतना अधिक आयाम है, डायमेंशन है कि हर बार जब उसे लेता हूं तो एक नया ही आयाम दिखता है और समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं कहां समाप्त करूं। उसी तरह से जैसे आप किसी डायमंड को लेकर के सूरज की तरफ रखिए क्रिस्टल को, तो जैसे घुमाएंगे थोड़ा दूसरा कलर देता है जो कि यूनिक कलर होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं धम्मपद के उस अंश को लूं या धम्मपद से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, धम्मपद में मेरे लिए आपके लिए हम सबों के लिए क्या है, क्या है, यह विषय मेरे मन में हॉन्ट करता रहा है कि आज शायद मैं इसी को लेना चाहूंगा। हम सभी जो यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में आए हैं
इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मीटिंग में आते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सबों का उद्देश्य क्या है? अंततः अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जीवन मुक्त जो कहते हैं, दूसरे शब्दों में निर्वाण की प्राप्ति। हम सबों का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, इस मीटिंग में आ रहे हैं, कन्वेंशंस में जा रहे हैं और भी जिस स्रोत से हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, मार्ग दिखता है, उस मार्ग पर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हम धम्मपद को देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जहां पर अल्प अवधि में ही बहुत सारे गृहस्थों ने, भिक्षुओं ने अर्हत्व प्राप्त कर लिया या आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी पर चढ़ गए। शायद आपको याद दिला दूं कि जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो उस प्रक्रिया में थियोसोफिकल लिटरेचर भी कहलाता यही कहता है, चार स्टेजेस होते हैं, श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अंततः अरहत। श्रोतापन का कंसेप्ट भारतवर्ष में ही नहीं है, पुराने ग्रीस में भी होता था और श्रोतापन का अर्थ है जो कि स्रोत में पड़ गया, स्ट्रीम में पड़ गया, नदी बह रही है, नदी की धारा के साथ अपने नाव को डाल दिया और नाव चलने लगी। ब्रदर हरबंस सिंह जी आपकी तस्वीर बार बार हिलती हुई आ रही है और आप वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दें क्योंकि उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप वीडियो खेल रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग मूवमेंट दिखाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो मेरा आग्रह है कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। पता नहीं आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, शायद सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि कोई उसका ये रिएक्शन नहीं दिख रहा है, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मेरी मम्मी के कमरा का दरवाजा बंद कर, अरबंस जी, हेलो अरबंस जी, हेलो हेलो, अभी ऑन है? नहीं नहीं आप नहीं, वो तो ठीक है, ऑन है, आप या तो वीडियो बंद कर लें। शरण जी कुछ कह रहे हैं, आपने सुना शरण जी कह रहे हैं कि मुझे कहा है कुछ? हाँ 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 हाँ, आप ही को कह रहे हैं शरण जी। जी कुछ हरमंस जी वो ये कह रहे हैं, हाँ, कि हाँ, आपका वीडियो स्टैटिक हो गए हैं, अब स्थिर हो गए हैं। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अब चलेगा। तो हम सभी जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, श्रोतापन, स्ट्रीम में आ गए हैं, नदी के प्रवाह के साथ चल रहे हैं। नदी के प्रवाह के साथ चलेंगे तो किसी न किसी दिन अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। श्रोतापन, सकृदागामी अर्थात जिसमें 8 जन्म लेना पड़ता है और फिर अर्हत्व की प्राप्ति होती है, अनागामी इसमें एक ही जन्म लेना पड़ता है
और आगे जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं होती है और अंत में अरहत। तो हम सभी अब मान के चलिए कि हम लोगों ने अपने भूतकाल में कुछ कार्य किए हैं, आज जहां हम पहुंचे हैं और आगे की मंजिल हमें तय करनी है। तो धम्मपद में बहुत सारे दृष्टांत आते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि अगर हम सीरियसली टेकअप करें तो बहुत ही अल्प अवधि में हम अपनी आध्यात्मिक दूरी, लंबी आध्यात्मिक दूरी को कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सबों के पास जीवन अल्पकाल का होता है और बहुत कुछ करना होता है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। इसलिए कैसे किया जाए, तो कुछ गाथा का जिक्र करता हूं मैं। चित्त वर्ग में गाथा 35 में जिक्र आता है कि कुछ भिक्षुगण एक गांव में जाते हैं, मातिका गांव में, और वहां पर साधना करते हैं। उस गांव की जो मुखिया थी, मातिका माता नाम था, उन्होंने उनके रहने का प्रबंध किया, उनके भोजन दान का प्रबंध किया और सारी व्यवस्था उन्होंने की। वह भी बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति के प्रति सजग थी, तो भिक्षुओं से आकर लगातार पूछती थी शिक्षा के बारे में और भी अन्य डिसिप्लिन के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आदि आदि। भिक्षुगण वहां रहे, उन्होंने साधना की, अपने अपने अनुसार उन्होंने लाभ पाया और उसके बाद सभी वापस चले गए श्रावस्ती में बुद्ध के पास। इधर जब वे साधना कर रहे थे तो मातिका माता ने जो सुना, उन्होंने भी साधना करनी शुरू की और 3 मास की अवधि में ही उन्होंने इतने लगन के साथ साधना की कि वह आध्यात्मिक सीढ़ियां पार कर गई और इस प्रकार वह उन भिक्षुओं से भी आगे बढ़ गई इतने अल्प अवधि में। और इतना ही नहीं, इस आध्यात्मिक विकास के कारण वह भिक्षुओं के मन की दशा जानने लगी। अब लगता था कि भिक्षुगण को कुछ खाने का मन है, इसके पहले कि वो कहें वह जाकर उनके यहाँ भोजन दे देती थी वही भोजन। तो जब भिक्षुगण अपने प्रवास के बाद वापस गए तो वहां पर एक भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि मैं वहां रहा तो मुझे बहुत भय हुआ। बुद्ध ने पूछा क्यों, तो उस भिक्षु ने कहा कि मातिका माता हमारे मन की बात जान जाती हैं कि मन में क्या चल रहा है, और इस तरह से जब जान जाती हैं तो मन की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई चोर सामान के साथ पकड़ लिया गया, तो मैं वहां जाकर आगे साधना नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने समझाया कि नहीं, तुम्हें वहीं जाना चाहिए और वहां जाकर ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि कुशल चित्त के द्वारा ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है और वैसी परिस्थिति में ही जाकर तुम्हें साधना करनी चाहिए। वह भिक्षु फिर बुद्ध की बात को मानता है और वहां से जाता है और वहीं साधना करता है। बौद्ध साहित्य में जो एक दूसरा उदाहरण आता है, जहां बिल्कुल ही दयनीय अवस्था से
अर्हत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया दिखती है वह पटाचारा की कहानी में दिखती है। पटाचारा की कहानी बड़ी ही दुखद कहानी है। वह राजगृह के एक बहुत बड़े धनी व्यापारी की पुत्री है, उसे घर में संभाल कर रखा जाता है, बाहर के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन वह अपने परिवार के एक नौकर पर ही मोहित हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। जाकर दूर खेती करते हैं दोनों, और वहीं जब उसे पुत्र की प्राप्ति की सूचना मिलती है तो वह कहती है कि मैं चलती हूँ मायके। उसका पति मना करता है कि कहीं हम लोग गए तो मुझे मेरे ससुराल वाले पीटे नहीं। फिर भी पत्नी के कहने पर वह चलता है, लेकिन रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा होती है और पुत्र का जन्म हो जाता है। इसलिए दोनों फिर वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद फिर यही स्थिति होती है, एक और संतान की के जन्म लेने का समय आता है। दोनों फिर ससुराल के लिए चलते हैं। रास्ते में बड़ी भीषण बारिश हो रही है और पटाचारा को प्रसव पीड़ा होती है। उसका पति वही जंगल के पास में झाड़ी में प्रबंध करता रहता है पुत्र जन्म संतान जन्म देने के लिए। तब तक एक सांप काटता है और वह मर जाता है। पटाचारा एक पुत्र को जन्म देती है। सुबह में देखती है कि उसका पति सांप के काटने के कारण मर चुका है। उसके शरीर को छोड़कर वहां से निकलती है। रात में बहुत तेज बारिश हुई है, नदी लबालब भरी हुई है। वह अपने बड़े पुत्र को तट पर ही छोड़कर नवजात शिशु को लेकर दूसरे तट पर जाती है। वहां पर नवजात शिशु को रखकर वह वापस आ रही है अपने बड़े पुत्र को ले जाने के लिए। तब तक एक चील आकाश से आती है। वह उस नवजात शिशु को मांस का टुकड़ा समझकर उठाकर ले जाती है। पटाचारा उसे देखकर चिल्लाने लगती है ताकि उसको भयभीत किया जाए और चील भाग जाए, लेकिन चील मानती नहीं है। और इधर उसका बड़ा पुत्र यह सोचकर कि माँ उसे बुला रही है, वह पानी में उतर जाता है और तेज धारा में बह जाता है। इस प्रकार पटाचारा अपना अपने पति को खो देती है और अपने दोनों पुत्रों को खो देती है। किसी तरह नदी पार कर जब अपने गांव श्रावस्ती की ओर जाने लगती है तो गांव से थोड़ा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और कोई व्यक्ति उधर से आ रहा है। उससे पूछती है अपने माता पिता के बारे में। वह व्यक्ति बताता है कि रात्रि वेला में जो भीषण बारिश हुई है उसमें झोपड़ी गिर गई और उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब पटाचारा के दुख की सीमा कोई सीमा नहीं दिखती। वह अपना होशो हवास खो देती है। अर्धनग्न अवस्था में पागलों की तरह श्रावस्ती की गलियों में घूमती। भगवान बुद्ध अपनी अंतर्दृष्टि से उसकी मनोस्थिति को देखते और उसे प्रेरित करते हैं कि वह जेतवन में प्रवचन सुनने के लिए आए। द्वारपाल उसे अंदर आने नहीं देता। तब बुद्ध आदेश देते हैं कि उसे आने दो। वह आकर उकड़ू मारकर बैठ जाती है और तब बुद्ध उसे संदेश देते हैं कि पटाचारा अपने ऊपर ध्यान दो। उसका मन थोड़ा शांत होता है और तब उसे लगता है कि वह नग्न अवस्था में है। कोई व्यक्ति आकर उसे वस्त्र दे देता है
और उसके शरीर को ढक देता है और उसी समय से उसका नाम पटाचारा पड़ जाता है। दुखों से मारी हुई यह महिला बुद्ध के शरण में आती है, भिक्षुणी बन जाती है और साधना इतनी तीव्रता से करती है कि एक रात्रि में वह देखती है, अपने पैरों को धो रही है, एक बार पानी डालती है तो पानी कुछ दूर तक जाकर सूख जाता है, फिर दूसरी बार डालती है उससे भी जाकर सूख जाता है, तीसरी बार डालती है तो उससे भी और आगे जाता है। तब उसे भान होता है कि मन में भी राग द्वेष के मैल हैं और इनसे मुक्ति पानी चाहिए, तीन तरह के मैल हैं। तो यह देखिए कि कहां से यात्रा शुरू हुई है। पागल व्यक्ति की यात्रा अरहत्व में बदलती है। तीसरा उदाहरण आप याद करिए किसा गौतमी का। किसा गौतमी की कथा सर्वविदित है कि किसा का नवजात शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और किसा गौतमी चूंकि वह बहुत ही दुबली पतली थी इसलिए उसका नाम किसा गौतमी था। वह मृत्यु क्या है जीवन में यह नहीं जानती है। अपने नवजात शिशु को जो मर गया है गोद में लिए हुए चारों तरफ पागलों की तरफ तरह घूम रही है कि कोई इसे जगा दे। लोग उस पर दया करते हैं और अंततः एक व्यक्ति उसे समझाता है कि पहाड़ी के ऊपर में एक महात्मा रहते हैं, तुम अगर उनके पास जाओ तो शायद तुम्हें वह वैसी दवा दे दें जिससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो उठे। वह बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत होती है और अपना दुखड़ा रोती है। बुद्ध शिक्षक एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तुलना किसी अन्य शिक्षक से नहीं की जा सकती, अतुलनीय शिक्षक। हर विद्यार्थी के उम्र, उसकी दक्षता, उसके मेंटल कैपेसिटी, इन सभी स्टेटस, उसके बैकग्राउंड सबको देखते हुए तब उसी के अनुसार शिक्षा देते हैं। और किसी दो व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों को आप देखेंगे कि एक ही शिक्षा नहीं देते। तो वह वे सोचते हैं कि इस समय कोई भी ज्ञान की बात कही जाएगी तो पटाचार्य किसा गौतमी नहीं समझ पाए, सिर्फ कहते हैं थोड़ी सरसों लाना वहां से जहां कोई नहीं मरा। शाम में लौटकर आती है और बुद्ध से प्रश्न करती है, सारे गांव में घूम आई वो ऐसी सरसों मिली नहीं, अब आप ही बतावें प्रभु कि वो ऐसी सरसों मिलेगी का। बुद्ध बताते हैं कि किसा उस सरसों को खोजते खोजते तुमने उस सरसों से भी बड़ी चीज खोज ली है। कल तक तुम समझती थी कि यह जो दुख है मृत्यु का दुख यह सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन आज जानती हो कि यह दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं सबों का दुख है और जो दुख बांटा जाता है वह उसकी तीव्रता कम हो जाती है और उसे बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है। किसा गौतमी भी भिक्षुणी बन जाती है, भिक्षु संघ में शामिल हो जाती है, भिक्षुणी बन जाती है। एक दिन रात में दीपक जला रही है, देखती है कुछ दीपक जलने के साथ बुझ जाते हैं, सम फ्लिकर आउट, सम बर्न आउट एंड सम आर एक्सटिंग्विश्ड। तो इस प्रकार वह समझती है कि हमारा हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वह भी इसी प्रकार तीन स्टेजेस से होता है। इस पर ध्यान केंद्रित करती है और वह भी अर्हत हो जाती है। छोटे छोटे अवधि में आप देखें कि कितना उन्नति लोगों ने की। समस्त बौद्ध साहित्य में धम्मपद में सबसे कम अवधि में जिस व्यक्ति ने अर्हत्व को प्राप्त किया वह है बहु दारू बहु चीरिया का।
उदाहरण। दारू गांव चिड़िया, एक बार नाव से बहुत सारे लोग जा रहे थे और नाव तूफान में समुद्र में टूट गया, बहुत सारे लोग मर गए, मछलियों के शिकार हो गए। एक व्यक्ति एक पटरी को पकड़कर किसी तरह से तैरता हुआ शुपारक बंदरगाह के किनारे आ गया। वही केवल जीवित बचा दारू बहुचीरिया नाम था। वह आकर वहां नग्न बैठा रहा। लोग आते जाते लोग समझने लगे कि ये तो महात्मा है और उसे महात्मा कहने लगे, अरहत भी कहने लगे। उसे गलत गलत फहमी हो गई कि वह अरहत है। लोग उसे वस्त्र देते लेकिन वस्त्र नहीं पहनता क्योंकि सोचता कि वस्त्र पहनने से लोग उसकी महत्ता कम कर देंगे और अगर उसे महात्मा के रूप में अपने आप को दिखाना है तो उसे नंगा ही रहना चाहिए। उसके किसी पूर्व जन्म में ब्रह्मा उसके मित्र थे। एक बार आकर उन्होंने उसे समझाया कि तुम यह जो कार्य कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। एक तो तुम अरहत नहीं हो और तुम में अरहत होने के गुण भी नहीं है, तब तुम फिर यह अरहत होने का स्वांग क्यों कर रहे हो। बहुत दारू चुड़िया को बात समझ में आ जाती है। वह उनसे क्षमा मांगता है और फिर पूछता है कि भगवान बतावें कि सही मार्ग कहाँ दिखेगा, मैं कहाँ जाऊं। तब ब्रह्मा उसे समझाते हैं कि इस समय बुद्ध श्रावस्ती में है, तुम जाकर उनकी शरण में गिरो और उनसे आग्रह करो, उनका आश्रय दो। वह वहां से शूर्पारक से चलता है। रात भर चलते 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 पैदल बिना रुके श्रावस्ती पहुंचता है। श्रावस्ती में दोपहर का समय है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन कर रहे हैं। वहीं जाकर वह भगवान से आग्रह करता है कि आप मुझे शिक्षा दें। भगवान कहते हैं कि यह शिक्षा देने का समय नहीं है, मैं भिक्षाटन के साथ कर रहा हूं और तुम भी बहुत थके हुए हो, तुम वैसी मानसिक स्थिति में नहीं होगे कि तुम इस समय शिक्षा को ग्रहण कर सको। बहुदारु चुरिया कहता है कि भगवान आपके और हमारे जीवन का क्या भरोसा, कब समाप्त हो जाए, इसलिए आप मुझे यहीं और अभी ही शिक्षा दीजिए। उसके आग्रह को देखते, आग्रह की तीव्रता को देखते हुए बुद्ध उसे नकार नहीं पाते हैं और वहीं मार्ग पर खड़े खड़े जीवन की नश्वरता के ऊपर में उसे शिक्षा देते हैं। वह संतुष्ट होता है। उसके बाद वह संघ में शामिल होना चाहता है। इसके लिए वह जाता है बाजार से अपने लिए वस्त्र खरीदने। रास्ते में एक सांड आता है और उसके पूर्व कर्मों के कारण उसे मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती। संध्या बेला में धर्म सभा में चर्चा होती है। भिक्षुगण पूछते हैं भगवान बुद्ध से कि दारू बहुचुरिया का जन्म मृत्यु के पर्यंत कहाँ हुआ। तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि उसका जन्म त्रयंतिश लोक में हुआ है, उच्च लोक में, आध्यात्मिक लोक में हुआ। भिक्षुओं में आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। वे पूछते हैं कि वह अरहत कब हो गया। बुद्ध उसे बताते हैं कि जब मैं उसे रास्ते में खड़े खड़े, मार्ग में खड़े खड़े उसको मैं शिक्षा दे रहा था, उसी समय उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, ये सारे उदाहरण को जो मैंने दिया,
इन सारे उदाहरणों से हमारे लिए एक आशा की किरण बनती। मेरा उद्देश्य यही था बताने के लिए कि हमने भूतकाल में जितनी भी यात्रा की हो, हमने अपने लिए जितने भी सत्कर्म किए हो, अब हमारे पास हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस में जितने भी राशि है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के दिन से आने वाले समय में जो अवधि है उस पर तो हमारा और आपका पूरा अधिकार है। और इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर व्यक्ति बहुत ही सीरियसली प्रयास करता है तो अल्प अवधि में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और धम्मपद के ये सारे उदाहरण इस बात के साक्षी हैं, गवाह। धम्मपद के प्रथम वग यमक वग में ही एक और कथा आती है। यमक वग में नहीं, अप्रमाद वग में, गाथा नंबर 25 अप्रमाद वग में चुल्ल पंथक नाम का एक भिक्षु है। वह बहुत ही मंद बुद्धि का, क्योंकि उसने जन्म में भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, तो अल्प बुद्धि का है। एक बार जीवक नाम का जो वहां का डॉक्टर, जीवक नाम का जो आयुर्वेद का डॉक्टर है और बुद्ध का बहुत बड़ा गृहस्थ अनुयायी है, वह भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करता है। चुल्लक पंथक उसका बड़ा भाई जो अर्हत हो चुका है महापंथक, उस सूची में नाम नहीं रखता है जिसमें सभी भिक्षुओं को बुलाया गया है, क्योंकि वह उस पर क्रोध करता है कि यह कुछ परिश्रम नहीं करता है, उसे ज्ञान नहीं मिलता। तो सभी भिक्षु चले जाते हैं। अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह बुद्ध की ओर देखता है और अब मन में सोचता है कि मुझे अब विहार में रहने की इच्छा समाप्त हो गई है, मुझे अब गृहस्थ जीवन में ही चला जाना चाहिए। उसके अश्रुपूर्ण नेत्रों को देख बुद्ध उसे समझाते हैं, चुल्ल पंथक तुम पूर्व दिशा में बैठकर एक उसे सफेद कपड़ा देते हैं और कहते हैं इस कपड़े को रगड़ो और देखो इस कपड़े में और तुम्हारे मन में क्या सिमिलैरिटी है, और ऐसा कहकर बुद्ध चले जाते हैं। चुल्ल पंथक अपनी पूरी तन्मयता के साथ यह कार्य शुरू कर देता। उधर जीवक के यहाँ भोजन दान हो जाता है और धर्म प्रवचन के लिए बुद्ध से आग्रह किया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु अभी भी विहार में छूट गया है, तो उसे बुलाकर लाओ, उसका नाम चुल्ल पंथक है। तो जाकर वहां पर भिक्षु को लाने के लिए एक सेवक जाता है और वापस आ जाता। वह बुद्ध से कहता है वहां तो एक भिक्षु नहीं है, हजारों भिक्षु। तो बुद्ध कहते हैं कि अच्छा जाओ और वहां पर तुम आवाज दो, चुल्ल पंथक नाम का भिक्षु कौन है, उसको लेकर आओ। वह सेवक दोबारा जाता है, वहां फिर कहता है कि चुल्ल पंथक भिक्षु कौन है, फिर वापस आ जाता है और बुद्ध से कहता है वहां तो हजारों भिक्षु हैं और सभी यही कहते हैं कि मैं चुल्ल पंथक। तब तीसरी बार बुद्ध उसे भेजते हैं और कहते हैं जो पहली बार सबसे पहले कहे चुल्ल पंथक उसी को लेकर आना। जाता है, फिर कहता है और जो सबसे पहले चुल्ल पंथक कहता है उसे पकड़ कर ले आता है
बाकी सब भिक्षु उसी समय गायब हो जाते हैं। चूल पंथक ने अपने रिद्धि बल से उन बाकी भिक्षुओं का निर्माण किया था। आता है धर्म प्रवचन के लिए कहा जाता है, धारा प्रवाह के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से वह धर्म का प्रवचन करता है। भिक्षुओं में आश्चर्य, सभी शाम में फिर धर्म प्रवचन में बुद्ध से पूछते हैं। बुद्ध उन्हें यही बताते हैं जो तीव्रता होती है, और अगर सही व्यक्ति मिल जाए जो सहायक हो तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को छलांग लगाकर भी प्राप्त कर सकता है। तो अब इन सबों से निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सबों से निष्कर्ष निकलता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द टाइम्स टू विच आर विथ अस, हम सबों के पास जितनी भी अवधि है और उस अवधि में हम लंबी से लंबी यात्रा करना चाहते हैं, हमारे पास क्या टूल है? हमारे अंदर डेप्थ चाहिए, हमारे अंदर क्वालिटी चाहिए, हमारे अंदर इंटेंसिटी चाहिए। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना है, इंटेंसिटी पर ध्यान देना है, डेप्थ पर ध्यान देना है, अपने अपने तीव्रता पर ध्यान देना है। जैसे लेजर रेज फोकस हो जाने पर बड़े से बड़े घाव को भी समाप्त कर देता है, उसी प्रकार की इंटेंसिटी अपने अंदर जगानी है ताकि आश्रमों को, हमारे अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, कैटरेक्ट को जैसे लेजर से खत्म कर देते हैं या किसी भी तरह के स्टोन को खत्म कर, उसी प्रकार उन आश्रमों को जलाया जा सके। और इस सब का सबसे सुंदर उदाहरण जो दिया है बुद्ध ने, वो सहस्र वर्ग में दिया। 26 वर्ग हैं, जैसा आप जानते हैं धम्मपद में 26 वर्ग हैं। एक वर्ग ऐसा है सहस्र वर्ग, थाउजेंड्स, वर्ग ऑफ थाउजेंड्स। और इस वर्ग में उदाहरण देकर बुद्ध ने यही बताया कि 100 वर्षों, जैसे उदाहरण दिया कि 100 वर्षों तक कोई व्यक्ति लगातार या 1000 वर्षों तक कोई व्यक्ति, एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक लगातार दान करता है और एक दूसरा व्यक्ति केवल कलछु भर मात्रा में दान करता है। मृत्यु के बाद दोनों को के जो कर्म की स्थिति होती है उसमें कलछु वाले दान ज्यादा उसका कार्मिक फल अधिक मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बुद्ध यही बताते हैं कि 1000 साल तक भी दान किया जाए, पुण्य किया जाए, कुछ भी किया जाए, अगर मन की स्थिति नहीं है और सही पात्र को दान नहीं दिया गया तो उस पात्र का फल नहीं होगा। इसके विपरीत थोड़ा ही दान किया जाए, पवित्र मन से किया जाए, पूर्ण त्याग के साथ, समर्पण के साथ किया जाए और योग्य व्यक्ति को किया जाए तो फिर उसका महत्व बहुत अधिक है, उससे लाभ भी बहुत अधिक प्राप्त होगा। तो सहस्र वर्ग में बहुत ही इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। सारिपुत्र के मित्र का उदाहरण है, सारिपुत्र के मामा का उदाहरण है, सारिपुत्र के भांजा का उदाहरण है। सबों से पूछते हैं सारिपुत्र कि तुम बताओ क्या करते हो पुण्य के अर्जन के लिए? तो बताता है कोई कि मैं 100 वर्षों तक लगातार पशु बलि करता हूँ, मैं अग्नि का यज्ञ करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं आहुति करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अंत फिर सारी पुत्रों ने समझाते हैं कि इन सबों से उतना फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा
जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा अगर योग्य व्यक्ति को थोड़े समय के लिए भी सही दान करते हो, सही कर्म करते हो। तो इस वर्ग के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। बेटर देन थाउजेंड एट अटरेंसेस कंप्राइजिंग यूजलेस वर्ड्स इज वन सिंगल बेनिफिशियल अटरेंस बाय हियरिंग विच वन इज काम। हजारों घंटे तक लेक्चर दीजिए, बकवास बोलते जाइए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिर्फ एक वाक्य, एक वाक्य जिसको सुनकर आदमी को शांति मिलती। याद करिए कि एक लड़के को लेकर उसकी माँ जाती है प्रोफेट मोहम्मद के पास कहने के लिए वही कहानी कि गुड़ बहुत खाता है, इसको शिक्षा दे दीजिए गुड़ न खाए। और प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि एक महीने के बाद आओ या तीन महीने के बाद आओ। आता है बालक और उस समय प्रोफेट मोहम्मद सिर्फ यही कहते हैं कि आगे गुड़ मत खाना, और बालक सुधर जाता है, आगे गुड़ नहीं खाता है। तो माँ उसकी बहुत ही आश्चर्य में है, पूछती है यह बात तो आप तीन महीना पहले भी कह सकते थे। तो प्रोफेट मोहम्मद समझाते हैं कि तीन महीना पहले मुझे खुद गुड़ खाने का बहुत शौक था, जब मैंने छोड़ दिया है तब उसका इस बालक पर असर होगा। तो यह एक वाक्य कहा गया गुड़ मत खाना, और उसका इतना असर हुआ, उसको कितनी भी बात समझाई जाती वह बालक नहीं पकड़ पाता। तो आगे इसमें कहते हैं बेटर देन थाउजेंड वर्सेस कंप्राइजिंग यूजलेस वर्ड्स इज वन सिंगल वर्स बाय हियरिंग विच वन इज calmed। और यहीं पर तीसरी गाथा में बताते हैं कि हजारों को, हजारों यह तो बहुत ही बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट माना जाता है, हजारों युद्धों को जीत लेना आसान होता है, हजार युद्धों को जीत लेना आसान होता है बजाय इसके कि अपने आप को जीता जाए। हम सभी जो थियोसोफिकल सोसाइटी में अर्नेस्टली कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्म के पथ पर ईमानदारी से चलने की चेष्टा करने कर रहे हैं, हम सभी समझते हैं कि कितना कठिन है अपने आप पर विजय पाना, अपने क्रोध पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर, अहंकार पर आदि आदि। धम्मपद का एक वर्ग क्रोध वर्ग भी है, और क्रोध वर्ग में एक गाथा में बुद्ध बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पा ली है वह समझिए कि एक ऐसा रथ है, रथ भागा जा रहा है, रथ के घोड़े उस व्यक्ति को लेकर जिधर मन में आ रहा है भागे जा रहे हैं, और वह सारथी कुछ कर नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति है वैसे मन की जो क्रोध पर काबू नहीं पा सका। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पा ली है तो वह वैसे सारथी की तरह है जो घोड़ों की डोर को खींचकर उनको अपने नियंत्रण में रखता है और जैसे चाहता है उधर उनको ले जाता है। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्रोध पर काबू पा लिया है वह वैसा ही व्यक्ति है जो रथ का सारथी है, और वह रथ का संचालन बहुत ही सही ढंग से करता है। और जो व्यक्ति रथ का संचालन सही ढंग से नहीं करता है, अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सका है, उसे मानिए उसने तो सिर्फ उसकी लगाम पकड़ रखी है, डोर पकड़ रखी है, वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा जीवन में, क्योंकि तो जब कभी जब मन आएगा उसका घोड़ा जिधर मन करेगा ले जाएगा। ब्रदर सुरेंद्र नारायण जी बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाया करते थे कि हम जैसे घोड़े पर सवार, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां,
घोड़े की तरह हम उन पर सवार हैं, और कोई व्यक्ति आता है और वे अपने वश में हमें रखे हुए, कोई व्यक्ति आता है हमसे पूछता है कि भैया किधर जा रहे हो, घोड़े पर सवार हो किधर जा रहे हो, तो मैं उसको उत्तर देता हूँ। सुरेंद्र नारायण जी बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि मैं उसको जवाब देता हूँ कि मुझसे क्यों पूछते हो कि कहाँ जा रहा हूँ, इस घोड़े से पूछो कहाँ ले जा रहा है। तो ये उदाहरण हास्यास्पद लगता है लेकिन सच्चाई तो यही है। तो अगला उदाहरण देते हैं, सेल्फ कंक्वेस्ट इज इंडीड फार ग्रेटर देन द कंक्वेस्ट ऑफ ऑल अदर फोक, नाइदर ए गॉड नॉर ए गंधर्व नॉर मारा नॉर ब्रह्मा कैन विन बैक द विक्ट्री ऑफ सच ए पर्सन हु इज सेल्फ सब्ड्यूड एंड एवर लिव्स इन रिस्ट्रेन। तो इस वर्ग में सारे उसी तरह के उदाहरण दिए हैं, सहस्र मतलब थाउजेंड्स, कुछ भी काम मतलब क्वांटिटी डजंट मैटर सो मच इन लाइफ एज क्वालिटी, इंटेंसिटी मैटर्स, डेप्थ मैटर्स, लेजर बीम मैटर्स कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सर्जरी। ये सहस्र वर्ग का सार तत्व हम कह सकते हैं। आपको शायद मैंने पहले भी बताया है कि मेरी जो धम्मपद की यात्रा शुरू हुई 6 से 8 मई 2006 की कहानी है। जूनागढ़ में राधा जी ने ईएस का एक कैंप लिया था और विषय था यही धम्मपद। मैं भी जूनागढ़ राजस्थान में गिर फॉरेस्ट के पास मैं गया था और वहां पर पहली और दूसरी गाथा जो बैलगाड़ी की गाथा कहानी है और जो छाया की कहानी है, इन दो कहानियों को लेकर ही, कहानियां तो मुझे ध्यान है कि राधा जी ने कहानियां नहीं कही थी, लेकिन बैलगाड़ी के उदाहरण को और छाया के उदाहरण को बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया था और फिर बताया था कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है और मन को अगर पवित्र रखने के लिए आदमी फोकस करता है, सारा का सारा अटेंशन इसी पर कि किसी भी तरह से मन को मलिन नहीं होने देंगे। जो कहा है ना, बहुत नसइयो अब्न नसइयो, मतलब बहुत नाचा, बहुत नचायो श्याम, बहुत नचाया अब नहीं नाचेंगे, अब नहीं नाचेंगे, बहुत बर्बाद हुए अब बर्बाद नहीं होंगे, बहुत अपवित्र हुए, बहुत कलुषित हुए, बहुत दूषित हुए अब नहीं होंगे। यह जो प्रण है, अगर यह पवित्रता की भावना से अगर मन को कार्य करने दिया जाता है तो जीवन में सब कुछ कुशल ही कुशल होगा। और इसी के दृष्टांत में मुझे राधा जी का कहा हुआ ही एक, उनकी कही हुई एक कहानी याद आ रही है, इसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कह रही थी कि मथुरा वृंदावन में एक बार कोई महात्मा अपना प्रवचन दे रहे और उसमें वे कृष्ण की सुंदरता का बखान करते कि यह मुरली मनोहर है, कानों में कुंडल है, गले में इस प्रकार की हीरे की सोने की माला है, माथे में मुकुट है, हाथों में इस प्रकार के आभूषण है और इस प्रकार सुंदर बखान किए जा रहे थे। श्रोतागण में एक डकैत भी बैठा हुआ था, सभी अपने अपने उद्देश्य से सुन रहे थे, वह डकैत भी सुन रहा था। उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसे व्यक्ति को मैं कहाँ पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे व्यक्ति को पा लेता हूं तो उसे मुझे बहुत सारे आभूषण मिल जाएंगे। तो प्रवचन समाप्त होता है और
वह जाकर के पंडित जी से पूछता है कि जिस व्यक्ति का आपने गुणगान किया वह व्यक्ति मिलेगा कहाँ। तो चिढ़ करके पंडित जी उसे कह देते हैं कि जाओ, तुमको वृंदावन की गलियों में मिलेगा, जंगलों में मिलेगा। अब वह डकैत उनकी बात को इतनी दृढ़ता से सीरियसली लेता है कि वह रात में मुरली मनोहर की खोज में जंगल में चला जाता, और इतनी दृढ़ता है, इतना उसका उसकी चेतना पवित्र है, उसका मन इतना पवित्र है भीतर से कि उसके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ही खोज रहे थे ना, लो ये सारे आभूषण लो और अपना आभूषण दे देते। सुबह का होने वाली है, वह डकैत सोचता है इस धन पर पूरा मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि इस व्यक्ति तक पहुंचने का मार्ग तो मुझे मेरे पंडित जी ने ही समझाया। सुबह 3-4 बजे जाता है, पंडित जी का दरवाजा खटखटाता है, चिढ़ते हुए पंडित जी बाहर आते हैं और वह कहता है कि आप ये धन लीजिए। पूछा कैसा धन? अरे वो आपने ही तो बताया था कि वृंदावन में मिलेगा, तो मैं गया था, वहां मिल गया, धन मिल गया। और पंडित जी को विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि यह मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो सीरियस थियोसॉफिकल स्टूडेंट होगा इस बात को कहानी मानकर यहीं पर समाप्त नहीं कर देगा, छोड़ेगा नहीं, दोनों का विश्लेषण करिए। एक पंडित जी हैं, प्रवचन तो किए जा रहे हैं लेकिन मन में न तो श्रद्धा है, न तो विश्वास है, न तो आस्था है, और न वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं वह सही है या गलत है, और सांसारिक दृष्टि से दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, यह डकैत है, यह चोरी डकैती का काम करता है, जो संसार की दृष्टि से अकुशल काम है, लेकिन उसके मन की स्थिति को देखिए, वह पूर्णतः पवित्र है, फोकस्ड है, दृढ़ता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, आस्था के साथ जो भी करता है करता है। तो इन दोनों मन की स्थिति में कर्म का जो सृजन होगा किसके लिए ज्यादा अधिक कुशल होगा, मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। तो सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, और मुझे लगता है कि 3 दिन के प्रवचन में 1 दिन तो जहां तक याद है अधिक से अधिक समय यही मन की महत्ता पर ही राधा जी ने प्रवचन दिया था, और जो बड़ा ही प्रभावित कर गया। तो अब मैं समझता हूं कि समय समाप्ति की ओर जा रहा है, उस समय आपके प्रश्नोत्तरों के लिए, आपके आपकी टिप्पणी के लिए दिया जाना चाहिए, इसलिए मैं अब बंधु राजीव माथुर जी से आग्रह करता हूँ आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद शरण जी, आज आपने एक नया आयाम से प्रस्तुत किया धम्मपद को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। ये जो अवस्थाएं आपने बताई, श्रोतापन, एकदागामी, अनागामी, अरहत, अशेख, ये अवस्थाओं में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपने सूत्र भी बताया, इंटेंसिटी, क्वालिटी, डेप्थ हमारे अंदर और बढ़े, बहुत अच्छा। अभी अनम्यूट करके किसी ने कोई प्रश्न करना है तो प्लीज करिए। सदर दिवाकर जी नमस्कार। आपका म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए दिवाकर जी। हम बाहर निकले हुए थे कुछ दवा लाने के लिए, इसलिए हम नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन आखिरी में आकर के आपके शब्द को ले लिया हमने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा प्रश्न है शरण जी। जी, ये अवस्थाएं जो आपने बताई ये तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, मगर श्रोतापन्न
तक जब आदमी पहुंच जाता है तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि एक बार स्ट्रीम में आ जाता है फिर तो स्ट्रीम भी उसको कुछ आगे बढ़ाती है। तो चुल्ल श्रोतापन एक अवस्था कहलाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि शुरू में एकदम श्रोतापन पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। तो ये क्या अवस्था है, चुल्ल श्रोतापन कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम सभी सभी जानते हैं कि हमारी यात्रा, जीवन यात्रा, जो सामान्य जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन यात्रा बहिर्मुखी है। अधिकांशतः हमारी यात्रा बहिर्मुखी है और आध्यात्मिक उन्नति, इतना तो हम लोग थोड़ा बहुत समझते ही हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा जो है आंतरिक है। जीवन जो जी रहे हैं, सामान्यतः गृहस्थ के रूप में हमें जीना पड़ता है, मजबूरी में या अपने कर्मों के निर्वहन के कारण, यह सब बाह्य जगत में जाकर और उसी बहिर्मुखी होकर के हम सभी कार्य करते रहे हैं। और जो अंतर्मुखी होकर अंतर यात्रा करनी है, उस पर उतना न तो समय दे पाते हैं, न उसका समाज में कोई उसका इंकरेजमेंट है, न उसकी सही प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। तो वैसे इसे ही हम लोग अपने साहित्य में कहते हैं कि मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग पर चलता जा रहा है, और चलते 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 कभी न कभी तो उसको थकान महसूस होगी, कभी न कभी तो उसके अंदर प्रकाश आएगा या उसके अंदर प्रश्न उठेगा कि मैं जो चल रहा हूं इसका कोई रेलिवेंस है क्या, ये क्या जो जिस जिन चीजों के पीछे अपना सारा श्रम दे रहा हूं उसका कोई महत्व तो है क्या, जो एट द फीट ऑफ द मास्टर में कहते हैं कि इन चीजों का फिर भी महत्व तो होगा जीवन में, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होगा तब लगेगा कि शायद ये सांसारिक चीजों का उतना महत्व नहीं है जितना हम दे रहे हैं। तब जीवन में जब ऐसी सोच आने लगती है, अपने आप से मनुष्य प्रश्न करने लगता है, एक मोमेंटम में जैसे भीड़ होती है, सुबह सुबह में राजीव चौक पे उतरिए तो भीड़ धक्का दे करके आपको ले जाएगी, आपको आपका यू आर हेल्पलेस। अगर भीड़ के साथ आप धक्का दे के आगे नहीं जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो वैसी स्थिति में आदमी जब चला जा रहा है तब महसूस करता है कि ये सब क्या सही है या कुछ और भी है, इज देयर समथिंग मोर देन दिस। तभी कहते हैं कि हम प्रवृत्ति मार्ग से मुड़ने की चेष्टा करते हैं और फिर निवृत्ति मार्ग की ओर आते हैं, मतलब वापस घर वापसी जिसको कहते हैं, वापसी की यात्रा शुरू करते हैं, अंतर यात्रा शुरू करते हैं। अब वह यात्रा किस बिंदु पे आएगी, कहाँ पर आएगी, हम बॉम्बे के हाईवे पर चले जा रहे हैं, हम जयपुर से यू टर्न लेंगे, अहमदाबाद से लेंगे, वडोदरा से लेंगे, कहाँ से लेंगे, यह सब कुछ अंततः हमारे ऊपर ही निर्भर करेगा, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म पर निर्भर करेगा, सभी चीजों को लेकर साथ मिलाकर उस पर निर्भर करेगा। बुद्ध के जीवन को अगर हम ले तो राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक मरे आदमी को देखा और महसूस किया ये सब मेरे साथ भी होने को है। तब प्रश्न किया कि क्या मैं इनसे परे जाकर इनसे मुक्त नहीं हो सकता हूं, और एक भिक्षु को देखा तो लगा कि इसका जीवन तो ऐसा है जिसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती, और बाकी कहानी तो हम जानते ही। तो अब इतना 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 भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, इतना तो है ही कि हम जानते हैं कि जो पोल स्टार है उत्तर दिशा में है, दिखता है, इतना तो है ही कि हमारे पास मैरिनर कंपास है जिससे हम जानते हैं कि उत्तर दिशा में जाना है, और जाएंगे ईमानदारी से जाएंगे, परिश्रम करेंगे, अपने साथ बेवफाई नहीं चलती, अध्यात्म में अपने साथ बेवफाई नहीं चलती, हम सभी जानते हैं। तो उस ईमानदारी के साथ अगर करते हैं तो बस
जो हमारे लिटरेचर में भी कहा गया कि ग्रीक साहित्य में जो यूनान में कहा गया कि एक बार हवा के प्रवाह के साथ या नदी के प्रवाह के साथ आप अपने पाल को दे दीजिए। लाइट ऑफ एशिया में भी बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार को चलाने वाली एक शक्ति है, जो उस शक्ति के साथ सहयोग करता है, वह जीवन में सुख काल की अनुभूति करता हुआ जीवन यापन करता है, जो उसके प्रतिकूल जाने की चेष्टा करता है वह अपने दुखों का आगमन करता है। तो यही सब छोटी छोटी बातें मेरे बुद्धि में आ रही हैं, समझ में आ रही जो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी तो थैंक यू, धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न या किसी ने कोई ऐड करना है कुछ तो बताएं। नहीं तो समय हो रहा है, अब हम लोग क्लोज करेंगे। अगर किसी का कोई ऐड करना है या किसी ने क्वेश्चन नहीं है तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग 30 तारीख को होगी ऑनलाइन, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 23 तारीख को हमारी फिर से फिजिकल मीटिंग होगी शंकर लॉज दिल्ली में। जो लोग आ सकते हैं दे आर ऑल वेलकम। तो 30 तारीख को हमारी कबीर के ऊपर वसुमती जी लेंगी, वसुमती अग्निहोत्री जी, 30 तारीख को। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं। कंचन नमस्ते, वेलकम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शं